नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आज के सिनेमा शो में हम बात करेंगे रजनीकांत की वेट्रियन पर लोगों के रिएक्शंस की। प्रशांत वर्मा ने भारत की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म अनाउंस कर दी है, उस फिल्म के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही कांतारा 2 और केजीएफ 3 से जुड़ा अपडेट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हैरी पॉटर सीरीज पर टीवी शो बनने जा रहा है। इस शो के 7 सीजन आएंगे। हर बुक पर एक सीजन आधारित होगा। हर सीजन में 10 एपिसोड्स होंगे। इस शो का पहला सीजन 2026 में HBO Max पर रिलीज किया जाएगा। पीपिंग मून में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विकास बहल की अगली फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आएंगे। जया बच्चन वामिका गब्बी की माँ का किरदार निभाएंगी। ये एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म होगी। अभी फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं किया गया है। ये फिल्म गोवा में सेट होगी। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 9 अक्टूबर की देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूरे देश के साथ बॉलीवुड ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जब ये खबर आई उस वक्त दिलजीत दोसांझ यूरोप में अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे। उन्होंने कॉन्सर्ट बीच में रोक कर कहा, यही जिंदगी है। हम अगर उनकी जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बेदाग अपनी लाइफ जी के गए वो। सलमान ने लिखा, मिस्टर रतन टाटा के निधन की खबर से गहरा दुख पहुंचा है। अजय देवगन ने लिखा, भारत और दुनिया भर में उनके योगदान को आंका नहीं जा सकता, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रियंका चोपड़ा ने एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपकी लीडरशिप की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगी। देश के लिए आपने जो भी किया उसके प्रति आपके डेडिकेशन के लिए शुक्रिया। इसके अलावा आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, रोहित शेट्टी और करण जौहर समेत कई सेलिब्रिटीज ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। इसे UA सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी 12 साल की उम्र से ऊपर के बच्चे बड़ों की निगरानी में इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म को वासन बाला ने डायरेक्ट किया है। जिगरा 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रजनीकांत की वेट्रियन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म से जुड़े रिएक्शंस भी आने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, फिल्म के क्रिएटिव ओपनिंग सीन से लेकर फिल्म का एंड तक सब कमाल था। रजनीकांत में मास को अपील करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने कॉन्टेंट पर फोकस रखा है। एक और यूजर ने लिखा, काफी रॉ फिल्म है। रजनीकांत को इस अवतार में दिखाने के लिए टीजे न्यानवेल का शुक्रिया। ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म होगी। हर एक्टर ने इसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। एक और यूजर ने लिखा, रजनीकांत अमिताभ बच्चन फहद फासिल भारतीय सिनेमा की त्रिमूर्ति। जूनियर NTR की देवरा का पहला पार्ट 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। अब फिल्म के डायरेक्टर कोरताला सिवा ने इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात की है। जूम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, सच कहूं तो मैं रणवीर कपूर और रणवीर सिंह को देवरा की दुनिया में देखना चाहता हूं। मैं तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री से ज्यादा लोगों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत सारे लोग अनुमान लगाने लगेंगे और कई सारी चर्चाएं चल निकलेंगी। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के बुरे दौर से गुजरने की खबरें चल रही हैं। खबर है कि सारेगामा म्यूजिक लेबल करण के प्रोडक्शंस के अधिकतर स्टेक्स खरीद सकता है। बॉलीवुड हंगामा ने एक्सचेंज फॉर मीडिया के हवाले से रिपोर्ट छापी, जिसके मुताबिक करण के धर्मा प्रोडक्शन और सारेगामा इंडिया के बीच एक बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। बताया ये भी जा रहा है कि सारेगामा इंडिया धर्मा प्रोडक्शन में 600 करोड़ रुपयों का निवेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सारेगामा की दूसरी सबसे बड़ी डील होगी। इससे पहले कंपनी ने पॉकेट एसेस को खरीदा था। हनुमान के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने प्रशांत सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी फिल्म अनाउंस कर दी है। फिल्म का नाम है महाकाली। ये भारत की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म होगी। ये बंगाल के कल्चरल बैकड्रॉप पर सेट होगी। इसे पूजा अपर्णा कुल्लूरू डायरेक्ट करेंगी। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले प्रशांत वर्मा लिखेंगे। KGF 3 और कांतारा 2 के प्रोड्यूसर विजय कीरागंदूर ने दोनों ही फिल्मों से जुड़ा अपडेट दिया है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा की प्रीक्वल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने फिल्म का 30% हिस्सा शूट कर लिया है। इसे अगस्त 2025 में रिलीज किया जा सकता है। KGF 3 पर बात करते हुए उन्होंने कहा, फिल्म पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। आने वाले 2 से 3 महीनों में इससे जुड़ा हुआ अपडेट आएगा। पीपिंग मून में छपी रिपोर्ट के मुताबिक धर्मातिक एंटरटेनमेंट एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहा है। इस फिल्म में आर माधवन और फातिमा सना शेख लीड रोल्स में नजर आएंगे। ये एक अधेड़ उम्र के आदमी और जवान लड़की की लव स्टोरी होने वाली है। इसे विवेक सोनी डायरेक्ट करेंगे। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 15 नवंबर को भारत में रिलीज होगी। ये एक मलयालम हिंदी फीचर है। फिल्म में कनिक श्रुति, दिव्या प्रभा, छाया कदम, श्रुधु हरूण और अजीज नीदू मंगड़ जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को 77th कान
फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री से नवाजा गया था। तो बाट के 6 साल बाद एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह अपनी अगली फिल्म अनाउंस करने वाले हैं। वो ये अनाउंसमेंट 12 अक्टूबर को करेंगे। तुम बाट की बात करें तो हाल ही में फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया। ये री रिलीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। तुम बाट ने दोबारा रिलीज होकर 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से पहले त्रिशूल के सीक्वल का हिंट दे दिया है। मिड डे ने आनंद पंडित का एक स्टेटमेंट शेयर किया जिसमें लिखा है, मैंने त्रिशूल कम से कम 60 बार देखी है। इस फिल्म ने मुझ पर गहरा असर डाला। उन्होंने कहा, त्रिशूल 2 की कहानी गुप्ता परिवार के विजय को गोद लेने से आगे की कहानी होगी। ये देखना बहुत रोचक होगा कि वो अपने परिवार के साथ कितना खुश है और क्या वो अपने पुराने जख्मों को भर पाया है या नहीं। अब आ रही आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज की फिल्म है द आयरन क्लॉ। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है, एक रेसलिंग फैमिली की ट्रेजिक कहानी है। प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के सिनेमा शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।